आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सर्दियों में सबसे ज़्यादा खाने वाली मूंगफली की चिक्की, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और एकदम कुरकुरी होती है और दांतों में बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। ऐसे हम बनाने वाले हैं और अच्छे से इसे परफेक्ट तरीके से सेट करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और सर्दियों में खासकर हम मूंगफली और तिल से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये गर्म होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मूंगफली चिक्की बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन गैस पे रखेंगे और उसमें 2 कप में मूंगफली डाल रही हूँ। मूंगफली को करीब करीब 7 से 8 मिनट हम लो फ्लेम पर भून लेंगे, जिससे हल्का सा इनका कलर भी चेंज हो जाएगा और छिलका आसानी से निकल जाएगा। देखिए 7 से 8 मिनट मैंने इसे पका लिया है, भून लिया है, इनका कलर भी चेंज हो गया है। देख लेते हैं, छिलका भी इसका आसानी से निकल रहा है। तो ये अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। अब हम गैस को बंद कर लेंगे और इसको निकाल कर छिलका हम अलग कर लेंगे। देखिए छिलका मैंने इसका निकाल लिया है, हल्की सी मैंने इसको क्रश भी कर लिया है। आप चाहें तो इसको बिल्कुल पूरी तरह ठंडा होने के बाद अगर हम छिलका निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से छिलका निकल जाएगा। अब मैंने यहाँ गुड़ लिया है, 2 कप मैंने यहाँ मूंगफली ली है तो 2 कप ही हम गुड़ लेंगे, बिल्कुल सेम। और ये मैंने देसी गुड़ लिया है, हल्का सा डार्क कलर का होता है, इससे ही हम चिक्की बनाने वाले हैं। तो अब एक पैन लेंगे और उसमें हम गुड़ डालेंगे। गुड़ का यहाँ बहुत ही अच्छा क्वालिटी के गुड़ का हम इस्तेमाल करेंगे, जिससे चिक्की बहुत ही अच्छी बनेगी। 1 चम्मच हम इसमें पानी डाल लेंगे। देसी गुड़ का अगर हम इस्तेमाल करेंगे चिक्की बनाने में तो वो दांतों में बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं, बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार होगी। देखिए इसे मेल्ट कर लेते हैं। छोटे टुकड़ों में अगर आप गुड़ को तोड़ लेंगे तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो इसे मैंने पका लिया है, हल्के से आप देख रहे होंगे इसमें झाग बनने लगे हैं। अब 1 कटोरी में हम पानी लेंगे तो थोड़ा सा गुड़ का मिक्सचर हम डाल के देख लेंगे। ठंडा होने के बाद हम चेक करेंगे, अगर ये कड़क है तो ये बनकर तैयार है। देख लिए, चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए ये हल्का सा नरम है तो 2 से 3 मिनट मैं और पका लेती हूँ इसे। और गुड़ को पकाते टाइम हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना, नहीं तो गुड़ बहुत ही जल्दी जल सकता है। एक बार और चेक कर लेते हैं पानी में डाल के। हल्का सा ठंडा होने देंगे, अब चेक कर लेंगे हम। देखिए ये आराम से टूट रहा है, यानी कि बहुत ही अच्छे से ये पककर तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें मूंगफली डाल देंगे, मूंगफली डाल लेते हैं। आप गुड़ के मिक्सचर को पानी में डाल के ज़रूर देखिए, अगर वो कड़क है तो ही आप मूंगफली डालिए, नहीं तो आप 1 से 2 मिनट इसे पका लीजिए। अब इसे हम गैस को हम बंद कर देंगे इसी स्टेज पर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर गैस को बंद नहीं करेंगे तो ये ओवर कुक हो जाएगा और हल्का सा इसमें कड़वापन आ जाएगा। तो इसे हम अब गैस को बंद करके इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से ये मिक्स हो गया है, इसको ज़्यादा देर नहीं रखेंगे, सारे काम हम फटाफट करेंगे, नहीं तो ये जल्दी जमना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि गुड़ से बनाया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ प्लास्टिक सीट ली है, आप चाहें तो बटर पेपर ले सकते हैं, सिल्वर फॉइल ले सकते हैं। इस पे हम हल्का सा घी लगा लेंगे, जिससे जब हम मिक्सचर डालेंगे तो वह चिपकेगा नहीं। तो घी लगा लेते हैं अच्छे से। अब मिक्सचर इस पर डाल देंगे हम। देखिए सारे काम फटाफट करेंगे, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी जमना स्टार्ट हो जाएगा। तो डाल लेते हैं और चम्मच के पिछले हिस्से पर हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे और इसे आसानी से फैला पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है तो हाथों से ये फैल नहीं पाएगा। तो इसलिए चम्मच ले लेंगे या आप कटोरी के पिछले हिस्से पर हल्का सा घी लगा कर उससे भी इसे सेट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से फैल जाएगा। प्लास्टिक सीट हम लगाएंगे और इसको बेलन की सहायता से बेल लेंगे। जैसा भी पतला या मोटे आपको चिक्की चाहिए उसी के अनुसार आप इसे फैला लीजिए। तो इसको फैला लेते हैं बेलन से।
सभी काम फटाफट करने हैं, नहीं तो बहुत ही जल्दी ये सेट हो जाएगा। हल्का सा हम इसको शेप दे देंगे, अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म है तो शेप हम इसको देंगे, फटाफट ये काम करेंगे। मैं इसको चौकोर बना रही हूँ। देखिए आसानी से सेट हो जाएगा ये। देखिए ये हल्का सा ठंडा हो गया है, अब हम इस पे कट लगा लेते हैं। जब हल्का सा गर्म होगा तभी हम इस पे कट लगाएंगे, तो आसानी से कट लग जाएंगे। अगर ये ज़्यादा ठंडा हो गया तो कट लगाने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी। तो कट लगा लेते हैं, जैसी बड़ी या छोटी आपको चिक्की चाहिए उसी के अनुसार आप इसमें कट लगा लीजिए। देखिए इसमें अच्छे से मैंने कट लगा लिए हैं और बहुत ही अच्छी ये जमकर तैयार हुई है, बिल्कुल परफेक्ट बनी है। 5 से 10 मिनट में अच्छे से सेट हो जाती है। आप देख पा रहे होंगे इनकी शेप एकदम परफेक्ट बनी है, जैसे मार्केट में मिलती हैं एकदम वैसा ही कलर इसमें आया है और ये दांतों में बिल्कुल भी चिपकेंगी नहीं। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी हैं और एकदम क्रिस्पी हैं। देखिए बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ ढेर सारी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे फैमिली में, फ्रेंड में, सोशल साइट पे आप इसे शेयर कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। देखिए एकदम परफेक्ट जमकर तैयार हुई है, एकदम कुरकुरी है, क्रिस्पी है और दांतों में बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। देखिए बिल्कुल कड़क हैं, तो आप भी ऐसे बना सकते हैं। एकदम आसानी से ये बनकर तैयार हो जाती हैं। अब इसे सेट कर लेते हैं हम प्लेट में। तो सर्दियों में आप भी ऐसे चिक्की बनाइए घर पर, बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।